नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश में चारों तरफ दीपावली की धूम मची हुई है। सभी जोरों शोरों से दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। आज नरक चतुर्दशी का त्यौहार है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी को नरक चौदस या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ काली, यमराज और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन देवी देवताओं के नाम से दिया जलाने से व्यक्ति का भय दूर होता है। साथ ही इस दिए में नकारात्मक और काली शक्तियां भी जलकर नष्ट हो जाती हैं। दिवाली की तरह ही नरक चौदस पर भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनमें दीप जलाने की परंपरा है। नरक चौदस की रात में तंत्र साधना करने वाले लोग और अघोरी माँ काली की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि इस समय माता काली अपने सबसे शक्तिशाली रूप में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां पर शाम ढलने के बाद इस दिन आम लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस दौरान मंदिर में केवल अघोरी ही प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो मंदिर जिनमें नरक चतुर्दशी के दिन कोई विशेष साधना की जाती है। इनमें सबसे पहला नाम है ओडिशा के वेताल मंदिर का। 8वीं सदी में निर्मित ये मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, जहां माँ चामुंडा की मूर्ति स्थापित है। चामुंडा माता को माँ काली का ही एक रूप माना जाता है। इसके बाद नाम आता है वैजनाथ मंदिर का, जो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बने इस मंदिर में महादेव का एक प्रसिद्ध वैद्यनाथ शिवलिंग स्थापित है। ये शिव मंदिर तंत्र विद्याओं में लिप्त होने और यहाँ के स्वास्थ्यवर्धक पानी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके बाद नाम आता है कोलकाता के कालीघाट मंदिर का। कहा जाता है कि कोलकाता के इस स्थान पर देवी सती की उंगलियां गिरी थी, यानी कि ये एक शक्तिपीठ है। नरक चौदस की रात में यहां सिर्फ तांत्रिकों को ही एंट्री मिलती है। इसके बाद नाम आता है हिमाचल के ही ज्वालामुखी मंदिर का। चारों ओर पहाड़ियों से घिरे इस सुंदर से मंदिर में एक कुंड स्थापित है, जो अपने अनोखेपन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि इस कुंड का पानी उबल रहा है, लेकिन छूने में ये एकदम ठंडा लगता है। नरक चौदस की रात में यहाँ केवल अघोरियों को ही प्रवेश मिलता है। इसके बाद नाम आता है मध्य प्रदेश के श्री काल भैरव मंदिर का। मध्य प्रदेश के इस मंदिर में श्री भैरवनाथ की श्याम मुखी मूर्ति स्थापित है। अपनी तांत्रिक क्रियाओं के लिए ये मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नरक चौदस की रात को यहाँ अघोरियों का बड़ा सा जमावड़ा देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नरक चतुर्दशी या काली चौदस की रात को विशेष साधना वाले इन मंदिरों से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।